बहरहाल उनके टोन दो तीन दिन से बड़ी क्लियर है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम फिर बता देंगे, हमें दीवार से ना लगाए, हमें बताए ना बता, क्या बताएंगे कि हमने डीलें की, हमने चोर दरवाजे से इकतदार लिया, हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया जो मरियम नवाज ने बनाया था दफन किया, जो चेगवारा नवाज शरीफ बना हुआ था, हमने केसेस के लिए NRO 2 हमने उस पर सील लगाई, हमने ये डीलें की थी, हमने ये डील की थी कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम जिस दिन उस पर पर्दे जुर्माइद होना था कि पर्दे जुर्माइद नहीं होगी और इसको बचा लिया जाएगा, हमजा शहबाज को हमने बनाना है, जो कुछ पंजाब असेंबली में 8 मार्च के बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ, जहांगीर तरीन को मिला लो, अलीम खान मिला लो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, बताएं फिर सारी खुल के डीलें क्या होंगे। ये समझते हैं कि आवाम जो है बेवकूफ है, इस वक्त आवाम ने बड़ा जोर से बता दिया है निकल के, और पूरे पाकिस्तान में, एक जगह पर नहीं पूरे पाकिस्तान में, खैबर से लेकर कराची तक हर सूबे में आवाम ने बताया है और बड़ी जोर से बताया कि करप्शन हमें काबिले कबूल नहीं है। जो भी ये बंद कमरों में डीलें कर रहे हैं, जिन्होंने भी इनके साथ डीलें की है, इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है लोहे के चने बनने के वाली मोमेंट पे दोबारा उस पर वापस जाकर कि जी हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे तो नवाज शरीफ ये बता देगा तो नवाज शरीफ लड़ लेगा। नवाज शरीफ पे आके ये सारे कवानीन खत्म होने चाहिए और जिस जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, जो ये मनिया लगाते हैं 1988 से छांगा मांगा से इन्होंने ये काम शुरू किया, आज तक चल रहा है, सिंध हाउस में ये चीजें रिपीट हुई, हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहां करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है वो करप्शन और गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का यह मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पर फिर तस्वीरें आती है जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आगे और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई है? कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा आपका आवाम का पैसा है जिस पे ये सारा खिलवाड़ खेलते हैं, बंद कमरों में डीले करते हैं, इनके चेहरे जिस तरह बेनकाब हुए इस साजिश में नून लीग के, जो इन्होंने अपना बयानिया दफन किया, इनको अब पंजाब में भी जगह नहीं मिलेगी। और जरदारी साहब जो कल वहां पे बैठे हुए थे, सबसे ज्यादा खतरा ये कि सिंध में ये हालात ना बन जाए, जो सिंध के इंतखाबात से ये भागे, NA 245 से ये भागे, लोकल इलेक्शन से वहां पे भागे, इसलिए भागे कि नजर आ रहा है कि एक वेव आई हुई है, पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त टोटली डिफरेंट मूड में, जो इस वक्त आपने मुल्की मईशत का हाल कर दिया है कि जी हम तजर्बाकार टीम है, इस हाल 2016 में बात हो रही थी कि लैंडमाइंस लगा के गए, बड़ी मुश्किल से इकॉनमी आपकी हुई, अब वही बात इमरान खान लैंडमाइंस लगा के गए, हम आपका बोझ उठा रहे, आप बोझ नहीं उठा रहे, आप अपने करप्शन के केसेस बचा रहे, आप अपना करप्शन का माल बचा रहे, दिखाएं इसी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा साहब की, पता लगे कौन को के ये चेहरे हैं जो हमेशा समझते हैं कि आवाम बेवकूफ है, आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नया बयानिया बना लेंगे और बंद कमरों में बैठ के डीले करते हैं अपने NRO की। पहले इन्होंने डील की जनरल मुशर्रफ के दौर में और जमहूरियत के नारे ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया 2006 और इसके बाद ये नहीं होगा। हर वो गंदा काम इन्होंने सियासत में किया है जो आवाम को आके कहते हैं कि हम नहीं करेंगे और फिर वो हरकतें करते हैं।